तो हे गाइस, कैसे हैं आप? सब लोग आई होप कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम कवर अप करने वाले हैं एच टैग्स के बारे में, जो कि हमारे HTML के अंदर होते हैं। तो HTML के अंदर होते हैं एच टैग्स और उनके बारे में आज जो अपन पूरी ये वीडियो रखने वाले हैं कि जितनी भी हमारे एच टैग्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप जाकर जो है अपनी गूगल पे जाकर सर्च करेंगे सबलाइम पे, तो आप जाके वहाँ पे जो है वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि अपना HTML डॉक्यूमेंट है, तो आपको यहाँ पर जो है इसको HTML कर लेना है, राइट? तो मेरा ऑलरेडी HTML में, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा HTML एंड देन मेरे कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूंगा टैब, तो आपके पास में कुछ इस टाइप का ऑटोमेटिक जनरेटेड जो है आपके पास में पूरा HTML का जो कोड है वो लिख करके आ जाएगा, राइट? और इस बॉडी के अंदर आपको जो अपना मेन टैग जो है यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो एच टैग्स बेसिकली होते हैं, जैसे कि इसका नाम है एच, तो एच का मतलब होता है हेडिंग टैग्स, राइट? कोई भी अगर हमें हेडिंग्स है तो उनको लिखना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एच टैग। और एक होता है पी टैग फॉर पैराग्राफ्स। दोनों आज इस वीडियो के अंदर अपन कवर अप करते हैं, ठीक है। पहले आता है एच। अब एच आपको डायरेक्ट, अगर आप एच लिखोगे, अब से मैंने एच लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया मनीष, राइट? सेव किया मैंने कंट्रोल एस करके, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास मनीष तो लिख के जरूर आ रहा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये वर्क कर रहा है। एक्चुअली क्या है, इसने क्योंकि कंटेंट है तो कंटेंट तो आ गया, लेकिन ये हमारे पास में एक ऐसा टैग है जो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, तो इसने जैसे कि एम्प्टी डाल दिया। वही एच के अंदर हमारे पास में कुछ वेरिएशन होते हैं, लाइक एच जो है स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 6 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6. H6 से ऊपर जो है कोई भी H नहीं जाता, कोई भी हेडिंग टैग्स नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उल्टा चलता है। H1 यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग, H6 यानी कि सबसे छोटी हेडिंग। अब कैसे, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ H6, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब अगर आप देखें और ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। सेम मैंने जस्ट कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट? सो दैट आपको जो क्लियरली विजिबल रहे सारी चीजें, राइट? मेरे पास में 6 है, 6 के 6 डाल दिया। और पहले यहाँ पे जो 1 2 3 जो अपन यहाँ पे टाइप इन कर लेते हैं, सो अब अगर मैं इसको सेव करूं और जाके रिफ्रेश करूं, तो अगर आप देखें तो हमारे पास में H1 से लेकर के H6 तक के सारे टैग्स आ चुके हैं। सो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि उल्टा चलता है, H1 यानी कि सबसे बड़ा, H6 यानी कि सबसे छोटा, राइट? इस टाइप से इसकी पूरी की पूरी चलती है। तो H यानी कि हेडिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो इसमें यूज़ कर सकते हो, और अगर आप जो है इसको स्टाइलिंग करना चाहो, आप इसकी स्टाइलिंग जो CSS से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें H1 के अंदर क्या है, H1 के अंदर सबसे बड़ा वाला आपके पास में होता है, और अगर आपको कोई ऐसी हेडिंग है जो आपको सबसे मोस्ट आपको दिखानी कि हाँ ये अच्छे से दिखे, तो आप उसको H1 में यूज़ करते हैं, राइट? बेसिकली हम इसको हायरार्की के लिए भी यूज़ करते हैं। अब लेट्स से मेरे पास में एक हेडिंग है जिसका नाम है मनीष सिंह, मैंने यह हेडिंग ये हमारे पास में ये डाल दी, राइट? बाकी यार टैग्स को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, कंट्रोल और साथ में आपके पास में क्वेश्चन मार्क के साथ में, राइट? और अब नीचे जाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी टैग। अब पी टैग का क्या काम होता है, पी बेसिकली आता है हमारे पैराग्राफ टैग्स के लिए, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए जो लॉरम इप्सम लिख लेता हूँ, राइट? सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो अगर आप देखिए हमारे पास में मेन हेडिंग जो है बड़ी आ रही है, और हमारे पास में बाकी जो पैराग्राफ में चला गया, राइट? अगर आप इसका पैराग्राफ और भी ज्यादा लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। सो मैं जस्ट अभी एक बहुत फर्जी से टाइप कर रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सो इसको सेव करता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास में एज एन पैराग्राफ ये जो टाइप इन हो रहा है, राइट? सो ये तरीका होता है आपका एच टैग को यूज करने का और पी टैग को। अब मेरे को लग रहा है कि भाई हेडिंग मेरी बड़ी है, छोटी करनी है, ठीक है भाई, H1 जो है उसको थोड़ा छोटा लाओ, H3 कर लो, राइट? H3 से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, राइट? रिफ्रेश किया और ये अब देखें तो ये छोटा हो गया। अच्छा, अब H6 का अगर बात करें, H6 और पी टैग, इन दोनों की जो हमारे पास में साइज होता है ना, वो एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आपके पास में जो है, अगर अपन दूसरे तरीके से स्टाइलिंग करें, तो हमारे पास में जो है पी टैग और H6 टैग दोनों सेम होते हैं, बट इसमें एक चीज़ है। अब अगर मैं इसमें दिखाऊं तो H5 एग्जैक्टली मैच कर जाएगा इसके साथ में, राइट? रिफ्रेश करूँ, अब देखिए दोनों का साइज सेम है।
अब लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा हेडिंग टैग और कौन सा पी टैग है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास में अगर हम देखें तो हमारे पास में जो पी टैग है वो बोल्ड नहीं है, और सेम अगर हमारा एच टैग देखें तो वो बोल्ड है। सो बेसिकली एच टैग हम यूज ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास में जो है उसको बोल्ड रखे। अब अगर मैं देखूँ कि मेरे को अगर अगर मेरे को इस पी टैग को भी हेडिंग बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे करने में। स्टाइल कर दूंगा, फॉन्ट साइज अगर मैं डाल दूँ, राइट, मैंने फॉन्ट साइज डाल दिया, जैसे 50 पिक्सल दिया, जैसे बहुत ज़्यादा 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे 20 पिक्सल्स तो अराउंड ये H3 के साइज का हो गया है, राइट। तो अगर आप देखिए मैंने इसको भी हेडिंग बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास में सेम, अगर मैं इसको H3 पे ले आऊँ तो आप अगर देखें दोनों में साफ डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या, कि ये हमारे पास में बोल्डर और ये जो टैग है ये हमारे पास में बोल्डर नहीं है, लाइटर है, राइट। सो ये फर्क होता है हमारा एच टैग एंड पी टैग के अंदर। हेडिंग टैग आपका यूज, अगर आपको बोल्ड वगैरह ये सब स्टाइलिंग बचानी है तो आप एच टैग का यूज कर सकते हो, अदरवाइज में आप जो डायरेक्ट पी टैग का भी यूज कर सकते हो। बट आपको उसके अंदर लग से मुझे इसको भी बोल्ड करना, मैं कर सकता हूँ स्टाइलिंग के अंदर जा करके, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आसानी से इसको जो है किया जा सकता है, राइट। बट अगर आपको थोड़ी स्टाइलिंग बचानी है, अपनी लाइन्स ऑफ कोड बचाने हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, एच टैग का यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि एच टैग किस तरीके से यूज किए जाते हैं और पी टैग किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो चलिए मैम, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।